हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं वो वीडियो लेके आई हूं आप लोगों के लिए जिसके लिए बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। एक्चुअली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे बार बार कमेंट किया थी कि दी हमें प्लीट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हम साड़ी तो पहनना चाहते हैं बट प्लीट्स ना बन पाने के कारण हम साड़ी नहीं वेयर कर पा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्लीट्स नहीं बना पाते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आती है साड़ी वेयर करने में क्योंकि उन्हें प्लीट्स बनाना नहीं आता है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा और आराम से बैठ के जरूर देखें क्योंकि मैंने इसमें इतने बारीक पॉइंट्स बताए हैं कि आप इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली वे में आप साड़ी वेयर कर पाओगे, प्लीट्स बना पाओगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ साड़ी पहन पाओगे। इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बताए हैं प्लीट्स को बनाने के, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अब आते हैं अपनी साड़ी ड्रेपिंग पे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी चिकनी समर साड़ी। इस साड़ी के लिए रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा इस वीडियो में इस वाली साड़ी का यूज़ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये ना साड़ी स्ट्रेचेबल होती है तो जब भी आप पहनते हैं तो इसके कॉर्नर में एक गांठ जरूर बांध लें एंड देन फिर उसको पेटीकोट में टक इन करना शुरू करें, ठीक है, और चारों तरफ से टक इन कर लें, मैचिंग का पेटीकोट पहन लें और अगर आप हील पहनते हैं ना तो आप हील भी पहन सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, इस वाली साड़ी को ना ज़्यादा स्ट्रेच ना करें नहीं तो इसका जो लुक होता है ना वो ख़राब हो जाता है। अब इसके बाद शोल्डर पे साड़ी को लेके आएंगे। मैंने ये डबल शेड साड़ी पहनी है सो एडजस्ट करते हुए शोल्डर पे पल्ले की जो लंबाई है वो कम है। अब कमर के पास कपड़ा लेके आएंगे और फिर वहाँ पे पिन अप कर देंगे और फिर इसके बाद प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। अब हमारी मेन वीडियो शुरू होती है। नेवल के साइड से चार उंगल आगे की तरफ लेना है और वहाँ से फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई लेनी है। फ्रेंड्स, ये मैं फर्स्ट तरीका बता रही हूँ। आप जब भी प्लीट्स बनाते हैं तो पहले पॉइंट फिंगर को लेना है, देन थंब का यूज़ करना है, फिर इस तरीके से पॉइंट फिंगर को निकालना है और फिर थंब को निकाल के इस तरीके से ही प्लीट्स बनानी है। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। अब है सेकंड तरीके की बारी। तो आपको क्या करना है, जहाँ से आप पिन करते हैं ना, पिनअप करते हैं, वहाँ से साड़ी को उठाएँ और इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, फिंगर्स को प्रेस करना है प्लीट्स पे, फिर फिंगर्स को हटाना है, देन फिर दूसरे हाथ से प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप प्लीट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पा रही हूँ। अब मैं आपको थर्ड तरीका बताती हूँ। ये देखिए, पहले तो चौड़ाई नाप लेनी है फर्स्ट प्लीट की और उसके बाद इस तरीके से भी आप प्लीट्स बना सकते हैं। एक छोटा सा कॉर्नर पर कर लेना है साड़ी की प्लीट्स में और फिर उसके बाद ये देखिए, जिस तरीके से मैं प्लीट्स बना रही हूँ ना, आपको इस तरीके से प्लीट्स बनानी है। ये है थर्ड तरीका। अब मैं आपको फोर्थ वाला भी तरीका बताने वाली हूँ। ये देखिए, आपको टमी के पास हाथ लेके जाना है और फिर तीन अंगल की चौड़ाई लेंगे और फिर लिटिल फिंगर का यूज़ करोगे और थंब का यूज़ करोगे और फिर zigzag करके प्लीट्स बनानी है। इसी तरीके से आपको प्लीट्स बनानी है और कोई भी अलग तरीका नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप चुन्नी का यूज़ करें क्योंकि साड़ी बहुत हैवी पड़ जाती है तो उसमें क्या होता है ना, प्लीट्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको फ्री पल्लू भी दिखा देती हूँ, कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। अब मैं आपको शोल्डर की प्लीट्स बनाना सिखा रही हूँ। तो शोल्डर की प्लीट्स भी कमर की प्लीट्स की ही तरह बनती हैं। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट तरीका जो हमेशा यूज़ करती हूँ मैं। लास्ट के प्लीट्स को एडजस्ट करती हूँ चौड़ाई के अकॉर्डिंग और फिर अब है ये सेकंड तरीका। टू फिंगर्स का यूज़ करना है। कमर की प्लीट्स बनाते वक्त हम थ्री फिंगर्स का यूज़ करते हैं और शोल्डर की प्लीट्स बनाते वक्त हम टू फिंगर्स का यूज़ करते हैं और सारी प्लीट्स बन जाने के बाद फिंगर्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग प्लीट्स को सेट कर देते हैं। अब हम आते हैं तीसरे तरीके पे। तो ये देखिए, इस तरीके से चौड़ाई को सेट कर लेना है, इस तरीके से चौड़ाई को देख लेना है प्लीट्स की कितनी रखनी है एंड देन फिर उसके बाद ये देखिए आपकी प्लीट्स बन के तैयार हो जाएगी।
छोटा सा कॉर्नर ही पकड़ना है और फिर छोड़ते जाना है, प्लेट्स लेते जाना है, छोड़ते जाना है। अब लास्ट जो है नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, ये देखिए शोल्डर के पास एंड वाले पार्ट को लेके जाना है और नीचे की तरफ देख लेना है कि दोनों की दोनों प्लेट्स के जो कॉर्नर हैं वो एक बराबर हैं कि नहीं। सॉरी मेरे हाथ की वजह से आपको प्लेट्स नहीं दिख पा रही है मैं कैसे बना रही हूँ, लेकिन ये देखिए मेरे से गलती हो गई, सॉरी गाइज। आपको क्या करना है, जितनी आपने चौड़ाई ले रखी है ना, यानी जहाँ हमने पिन लगाई थी ऊपर की तरफ पिन लगाते हैं और पिन के अकॉर्डिंग उतनी ही चौड़ाई पर ले जाते हुए प्लेट्स को सेट करना है। और बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से, आप हैवी साड़ी पहनो, आप लाइट वेटेड साड़ी पहनो, आप अगर इस तरीके से प्लीट्स बनाते हैं तो आपको बहुत आराम से प्लीट्स बन जाएंगी। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ और आपकी हेल्प हो पा रही हूँ मेरी इस वीडियो से। मैंने साड़ी पहन ली है और देखिए कमर के पास से प्लीट्स कितनी अच्छी आ रही है। अब मैं आपको विदाउट टॉप अपनी साड़ी दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लुक आया है ना। अगर आप इस तरीके से साड़ी वेयर करते हैं ना तो आप वाकई में बहुत फिनिशिंग के साथ साड़ी वेयर कर पाएंगे और दूसरों को भी पहना पाएंगे। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय।